नमस्कार दोस्तों, मैंने बोला था तीन भैंसों की कटड़िया। अच्छा जी, कटड़िया कैसी क्वालिटी? बारह महीने बाद भी इतना दूध देती है। अच्छा ऐसा है? हाँ। ये वाली भैंस है? हाँ। ये बता रहे हैं कि बन्नी भैंसों में जो ये वाली भैंस इनकी है, ये 12 महीने तक बराबर दूध देती है और 12 महीने के बाद भी उतना ही दूध देती है जितना पहले महीने आप निकालोगे। हाँ, अभी बच्चा आएगा देख लेंगे सब। हाँ हाँ, अभी मतलब इसका बच्चा आएगा है। ठीक है ठीक है। कितने कितने मतलब अभी देरी है ये? हाँ। बच्चा मतलब पैदा ब्याएगी अभी? नहीं, 12 महीने ब्याल है। अच्छा 12 महीने ब्या चुकी? हाँ। अच्छा कितना दूध है? वाह जी वाह, गाबन भी है? हाँ। बच्चा है अभी इसके पेट में? हाँ। नहीं नहीं, उसके वो तो गाबन भी है और दोनों भी देती है। दोनों भी देती है? ठीक है। 12 महीने बाद दूध देती है? नहीं देती। हाँ हाँ, वो देती है। सही बात है। ये बोल रहे हैं भाई, कोई भाई को अगर ऐसा शक हो कि 12 महीने तक दूध देती है कि नहीं देती है, तो ये बोल रहा है आके देख सकते हो हमारी ये वाली भैंस है। ये 12 महीने, ये देखो ये बच्चा है इसका। ये कितने दिन का बच्चा है? 10 महीने का बच्चा है ये, और ये बता रहे हैं कि 12 महीने तक दूध देगी। दूध देते देते ही दोबारा ब्याह देगी? 12 महीने तक ऐसे ही दूध देती है। अच्छा, 12 महीने से भी ज़्यादा लंबे समय तक दूध देगी? 12 महीने तक तो ऐसे ही देती रहती है। वाह जी वाह। ठीक है जी, एक बार बाल्टी भी दिखा दीजिए, एक बार पता चल जाएगा लोगों को 12 महीने तक कितना देती है। ये देखो भाई, वही बाल्टी है, खाली है। और ये पास जाएंगे दिक्कत तो नहीं है ना इसको? ये देखो भाई, इसकी भी सींग और मुंह की क्वालिटी आपको दिखा देते हैं। देखो भाई, 10 महीने के बाद भी कितना भराव दिखा रही है आप देख सकते हैं। अभी कितना दूध होगा इसमें? हाँ सर, इसमें कितना दूध होगा अभी अंदाजा? 6 किलो होगा। सही बात है। भाई साहब बोल रहे हैं कि अभी देख ही लेना सामने, पूत के पाँव पालने में अभी 10 मिनट के बाद आ ही जाएगा आपके आगे सब कुछ। वैसे 6 लीटर बता रहे हैं। 6 से ऊपर होगा? हाँ, 6 से ऊपर होगा। ठीक है जी। ये बोल रहे हैं कि भाई हम बिल्कुल आगे निकाल के दिखा देंगे, अगर सही रेट मिलता है तो हम दे भी देंगे। देखो भाई, क्वालिटी वाली भैंसें हैं, उनका अगर सही रेट मिलता है तो ये दे भी देंगे। और जिस भी भाई को ऐसा लगता है, कई कमेंट करते हैं बोला बन्नी नहीं है, तो आ जाना भाई, बन्नी के गुण बता दूंगा क्या क्या होते हैं। और यहाँ पे ये है ना, इनका दादा पड़दादा से इनका यही धंधा है, और ये सारी एक एक गुण बता देंगे आपको बन्नी के क्या होते हैं। पिछले वीडियो में भी इस फार्म की एक भैंस थी, उसके बारे में भी किसी ने बोला था कि भाई ये बन्नी नहीं है, तो आ जाना भाई, बन्नी क्या होती है वो हम बता देंगे आपको कैसी होती है। कई लोग उल्लू बनाते हैं, कोई भी भैंस आपको चिपका देते हैं बन्नी बोल के। यहाँ पे हम बन्नी के आपको करेक्टर भी बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे और गारंटी के साथ देंगे। अगर कोई भाई प्रूव कर देगा कि बन्नी नहीं है, तो भाई आधा खर्चा मैं दूंगा, यूट्यूबर शिवशंकर देगा आपको आधा खर्चा अगर कोई सिद्ध कर देगा तो। ये देखो, ये बूरी का भी निकाल लिया। निकाल लिया जी? ये देखो भाई, ठीक है। एक कितना होगा जी ये? 4-4.5 लीटर दूध होगा भाई आराम से। बच्चे को देना पड़ता है? हाँ हाँ हाँ, 10 लीटर की होगी बाल्टी कम से कम। ये रहा बच्चा। और ये बूरी का बच्चा देखो कितना सुंदर है। वाह जी वाह, टीके वाला। वाह जी वाह, क्या है, पाडी की पाडा है? पाडी। अरे वाह, टीकली पाडी, कितनी मस्त लग रही है। वाह जी वाह, जोरदार जोरदार। अब ये रह गया अपना, इसका दूध निकाल लेते हैं, फिर आपको रेट भी बता देंगे।
आ जाऊँ पास में, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल भाई, इसकी शक्ल देखो आप, कितनी सुंदर दिख रही है। और ये वही भैंस है 12 महीने वाली, 12 महीने तक दूध देती है, जितना पहले महीने देती है उतना ही 12 महीने तक देती है। ये मेरे को देख के थोड़ी वाह जी वाह, ये सही कह रहे थे, 6 लीटर के आसपास है। बाल्टी वाल्टी का अंदाजा मत लगाओ भाई, आप जिस भाई को लेना है ना वो आ जाना, तुलवा देंगे साथ में, ठीक है। ये देखो फिर भी दिखा देता हूँ मैं, अब भाई शक का कोई इलाज नहीं होता। हाँ जी, बोलते हैं ना 12 महीने तक ऐसे दूध देती है, लॉन्ग टाइम, ये लॉन्ग टाइम तक दूध देने वाली भैंस है। तो अब आएगी तब तक इतना दूध देगी। वाह जी वाह, देखो दो दो काम एक साथ कर रहे हैं, तब तक इतना ही देगी। वाह जी, ठीक है जी, जोरदार जी। सुबह सुबह काम का समय होता है भाई, दूसरी बार में 15 महीने की ब्याई हुई है और अभी भी दूध दे रही है। कौन सी है? इससे ज्यादा, इससे ज्यादा दे रही है। कौन सी है? ये वाली, यही वाली ना। ये देखो भाई, ये बता रहे हैं कि 15 महीने की भी दूध दे रही है, और इसका देखो भराव देखो, और ये पाड़ी देख लो, पाड़ी से अंदाज आ जाएगा भैंस जितनी तो पाड़ी हो रही है। वाह जी वाह, ओहो देख एक बार गोड्डे देखो पाड़ी के, पाड़ी देखो एक बार कैसे बैठी कैसे, ये भैंस थोड़ा मेरे से घबरा रही है। वाह जी, क्या कमाल है जी, मान गए। कितने महीने हो गए जी इसको, कितने बता रहे थे आप? 15 महीने हो गए। वाह जी वाह, तो देख सकते हो पैर देखो कैसे करके पी रही है। हाँ बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा है, देखो पैर कैसे मोड़ रखे हैं। वाह जी वाह, सही सही, ये देख लो भाई, जो बोलते हैं ना लंबे समय तक दूध देगी कि नहीं, वो देख लो भाई, इससे ज्यादा और कोई गारंटी नहीं है। अभी ये थोड़ी घबरा रही है मेरे को देख के, थोड़ा सा दूर खड़ा हो जाता हूँ। हाँ हो गया, ठीक है लेके आओ। अच्छा आप 2 मिनट और निकालो और सबके रेट और बता दो हमारे को, तो पहले वाले वीडियो से अंदाजा आ जाएगा कितना होगा जी दूध अंदाजा। अभी 6 किलो है, अभी पहला 72। अच्छा पहला 72 है और 6 किलो है, 6 भी छोड़ो हम 5 पकड़ के चलते हैं, 5 मान के चलेंगे हम, ठीक है। ये देखो है, तो 5 लीटर मानो, ये निकाल के दिखा देंगे। और उसका कितना होगा जी? देख लीजिए, फिर वो लॉन्ग हो जाएगा, वो अगले वीडियो में ऐड कर दूंगा। एक बार रेट नहीं बता दोगे आप इसका? रेट सबका दूसरे वीडियो में रेट ही बताएं। अच्छा एक वीडियो में पूरे में रेट ही बता दोगे, ठीक है जी। वाह जी सही है, बाल्टी खाली, ठीक है जी, एक मिनट, ठीक है फिर ये चालू। ये पहले बेहतर की है, अच्छा इसकी बेटी है क्या वो भी?
नहीं नहीं ये कुछ नहीं बोल रही थी, आराम से इसका दूध पी रही है। ओ ये सबको पिलाती है। अच्छा ऐसा, कोई भी अभी बच्चा छोड़ देंगे वो भी पिलाएगी। वाह जी वाह, ये प्रेम होता है। सही बात, उस साइड आ जाऊं मैं, बागी की तो नहीं, नहीं। इधर इनको दिक्कत हो है भैया, आ जाऊं कि रुकूं इधर ही, उधर चला जाऊं। अभी तीन चार वीडियो और बनाएंगे दूध से अलग, एक तो फार्म का बनाएंगे, एक रेट का बना लेंगे, ठीक है, पूरा फार्म देखेंगे तो लोग समझ आ जाएगा। और एक मतलब कैसे रख रखाव रखते हो, क्या खिलाते हो, ऐसे तीन चार वीडियो और बना लेंगे, मतलब टोटल हो जाएंगे, फिर ये एक सीरीज हो जाएगी। ये तो दूध वाली तो एक सीरीज हो ही गई पूरी भाई, तीन चार वीडियो तो दूध के हो जाएंगे, अलग अलग भैंसों के अपने, और फिर एक उनका रेट हो जाएगा, तो ये चार या पांच वीडियो बन जाएंगे, और बाकी जो अलग से बनाएंगे वो अलग हो जाएंगे। हाँ हाँ सही, हाँ बस बिल्कुल सही बात है, रेट ऐसा हो नहीं, बाद में क्या वो बहुत लोग होते हैं ऐसे ही परेशान करते। हाँ बिल्कुल सही बात, नहीं सोने के जैसे सुनार का जो तोल होता है ना, बिल्कुल वैसा रेट बता देंगे, ना कम ना ज्यादा, जिसको खरीदना हो वो आ जाए, और जिसको महंगा लगे तो रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है, ये देखो भाई निकाल लिया है, और ये लगभग 15 महीने की ब्याई हुई भैंस का दूध है बन्नी का, ठीक है। और ये भाई साहब कितना बताएंगे आप, दूध बताओ जी कितना है लगभग? 5 किलो। 5 किलो, मैं इसको 4 मान के चलता हूँ, हालांकि ये 4 से ज़्यादा ही है, पर फिर भी 4 मान के चलो, 15 महीने के बाद भी अगर 4 और 4 8 लीटर दूध दे रही है भैंस दोनों टाइम का, तो कम नहीं होता है। और ज्ञापन कितने दिन की है? 6 महीने की ज्ञापन बता रहे हैं भाई। तो दोस्तों मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। रेट के लिए अगला वीडियो आप ज़रूर देखें, तो उसमें आपको ये जो 2 वीडियो आए थे, एक ये और एक इससे पहले वाला, इन सभी भैंसों का रेट भी बताएंगे। हो सकता है हमें वीडियो ज़्यादा बनाने पड़े क्योंकि लंबे हो जाते हैं, आप देख सकते हैं और भी काफ़ी भैंसे हैं, तो ये एक फार्म दिखा है हमने, और ऐसे ही कम से कम भी 3-4 फार्म हैं इधर आसपास, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।